सभी मेरे भाई को जय हिंद और वंदे मातरम। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज है 26 जुलाई और इसमें जो आपको बताने वाला हूँ पूरा प्रोसेस जो आज की सेना भर्ती में हो रहा है। और एक और चीज, आज यार बहुत से बंदे अनफिट हो रहे हैं, यानी जो कल परसों और मैंने 3-4 दिन से लगातार जो भर्तियां हो रही है उनमें जो नोटिस कर रहा हूँ कि 30% बंदे आउट हो रहे हैं मेडिकल में, अनफिट हो रहे हैं। कौन से रीजन से ये सब मैं आपको स्टेप बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है? तो इसे आप फॉलो करना और आने वाले टाइम में जो भी भर्ती होगी उसमें आप ये गलतियां नहीं करोगे तो आपको जो अनफिट नहीं होगा और नए पॉइंट आपको मिलने होंगे। आज 26 जुलाई है, इसमें बैच बनाया है 200 का और जो आपके 250 से जो एवरेज बढ़ा दिया गया है बाद में 200 का जो स्टार्टिंग में बनाया है उसमें जो आपके कुछ बने जो बंदे पकड़े हैं 18-19 स्टार्टिंग से जो रहा है और जिसके बाद में जो 25-26-30 तक का एवरेज रहा है जो आसपास है, ठीक है? टाइमिंग के ऊपर बैच ये डिपेंड होता है कि आपका ग्रुप कौन सा चल रहा है, ग्रुप का आपके कितने बंदे, ये डिपेंड होता है। टाइमिंग का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? ये आपको बता देता हूँ नॉर्मल। बाकी जो आप टाइमिंग का जो एवरेज पूछ रहे हो तो मैं आपको टाइमिंग बेसिक बता देता हूँ कि 5:25 का जो एवरेज लेके चलना है, 5:25-30 के आसपास आपका टाइमिंग बताया जा रहा है। पर जिनका भी टाइमिंग 6 मिनट भी आ रहा है तो भी आप अटेंड करो, 6:30 भी आ रहा है तो भी आप अटेंड करो। मैं ये नहीं कहता कि आपको अटेंड नहीं करना, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सेना भर्ती में जा रहे हो तो आपको इसी लिए तो जा रहे हो कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आने वाले टाइम में। आपको जो भी सेना भर्ती होगी इसमें आप अच्छे से क्वालिफाई हो पाओगे, ये चीज आपको एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। तो आपका जो टाइमिंग कोई मैटर नहीं करता, आपको जो जानना जरूरी होता है कि आपको 400 की भीड़ में या 300 की भीड़ में या 200 की भीड़ में आप जब बैठोगे तब ये चीज फीलिंग होगी कि आर्मी क्या होती है। आप घर पे बैठे बैठे या घर पे जो आप तैयारी करते हैं कुछ नहीं होगा जब तक आप जो इंडियन आर्मी की जो रैली में नहीं जाओगे, जब पता नहीं चलेगा आपको कि भर्ती कैसी होती है। ये एक्सपीरियंस लेना जरूरी है, इसलिए हमको जो भी बोल रहा हूँ टाइमिंग कोई मैटर नहीं करता। जो भी आपका टाइमिंग आ रहा है एक बार अटेंड करो, पता चलेगा आपको कि भर्ती कैसी होती है। एक और चीज, आज और कल और परसों की मेजर सब जो मैंने बंदों से बात की और मेडिकल में जो पॉइंट मिल रहे हैं उनसे मैंने जो चेकआउट किया कि और एक और चीज़, अब मेडिकल के बारे में बात करते हैं। मेडिकल में कुछ पॉइंट मिल रहे हैं बहुत से बंदों को, कौन कौन से पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए यूजफुल होगा आने वाले सेना भर्ती में, आपको ध्यान में रखना है। अंदर जो कान का जो एक वैक्स का होता है, जो वैक्स के बहुत से पॉइंट मिलते हैं, जो इसमें बहुत से ज़्यादा बंदे मिल रहे हैं, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा है, नॉर्मल है, आराम से आप घर बैठे बैठे भी आप इसको कर सकते हो, रिकवर इसको सही कर सकते हो। इसका कोई पॉइंट है जो टूटता नहीं है या जैसे कोई है जो मिल गया था अभी टूटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये नॉर्मल है, वैक्स का पॉइंट मिलता है या जो आपके अंदर कुछ गंदगी गंदगी होती है इसका पॉइंट दे देते हैं जो आराम से आप तोड़ा सकते हो। इससे पहले तोड़ा दे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जाना झंझट होगा, बाद की बातें हैं, और आपको अंदर जो एक घबराहट सी आ जाएगी, फिर जो आपको पॉइंट मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए पहले बोल रहा हूँ, जब भी आप सेना भर्ती में अटेंड कर रहे हो तो आपको वैक्स करके अंदर जाना है, कि जो आपको सफाई करवा के जाना है, डॉक्टर से जाके मिल जाओ या जो अपने मार्केट में जाके जो मेडिकल से जाके जो 10-20 रुपए का जो पैकेट आता है जो अंदर रुई लगी होती है और उसमें जो तेल लगा के या कुछ दवाई डाल के अंदर वो जो सफाई हो जाएगी, ये फॉलो करो यार, आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। एल्बो का पॉइंट मिल रहा है और नोकनी का पॉइंट, ये पॉइंट आपको अभी मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो इसे आप आराम से रिकवर कर सकते हो। एल्बो और जो ये नोकनी का 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिकवर हो जाता है। इसे फॉलो करो, इसे एक्सरसाइज करो, अच्छे से एक्सरसाइज करोगे तो आपके ये दोनों पॉइंट भी टूट जाएंगे। बाकी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता है जो आपको नहीं टूटे, उसे सही से फॉलो करोगे तो आपको जो 100% क्वालिफाई हो जाते हैं उसे 100% सही हो जाता है। बाकी कलर विजन है या ये चीज़ें हैं, ये जो बहुत नॉर्मल पॉइंट है जो बहुत से कम बंदों को मिलता है, हर किसी को कलर ब्लाइंडनेस होती नहीं है और ये पॉइंट टूटते नहीं है। आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये पॉइंट टूटते नहीं है, आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे आपको दे जाएगा रिकवरी IMH दे जाएगा और वहाँ पे आकर जाकर टूटेगा नहीं, क्योंकि ये होता है कलर ब्लाइंडनेस, यानी आपको पता नहीं चलेगा इसमें होता क्या एक्चुअल में, कि आपका जो बहुत से जो स्क्रीन पे जो शो करते हैं या जो स्क्रीन पे आपको जो फोटो दिखाते हैं कि इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, अलग अलग कलर में होते हैं। जो मैं आपको आइकन दिखा रहा हूँ इस पे देख लेना आप, ठीक है? ऐसे जो बहुत से जो आपको दिखाते हैं किताब होती है उनके पास में या जो अलग अलग स्क्रीन पे शो होते हैं तो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जिनको कलर वाइज होता है ना, जो ये कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इनको, जो आंखों की एक अलग सी दिक्कत हो जाती है, जिनको रंग पहचानने में दिक्कत होती है, यानी कैसा है, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, जो भी है वो आपको पहचानने में दिक्कत होती है, उनको ये पॉइंट मिलता है। हर किसी को पॉइंट नहीं मिलता है, ठीक है? तो ये तो नॉर्मल है, जिन बंदों को मिलता है उनको पॉइंट टूटता नहीं है। बाकी जो कोशिश करना है कि आप पहले ही डॉक्टर से जाके मिल जाओ, क्योंकि बहुत से बंदों को जो अभी स्टार्टिंग से होता है या जो बहुत से बंदों को ये जन्म से होता है तो वो पॉइंट टूटते नहीं। बाकी जिनको बंदों को अभी से हो रहा है तो आप डॉक्टर से जाके सलाह लेना, शायद ये पॉइंट टूट जाएगा। बाकी जो इन चीज़ों को ध्यान में रखो और जब भी भर्ती में जा रहे हो तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है, एल्बो का और नोकनी का और ये वैक्स वाला, ये आपको पॉइंट मिल रहा है तो इसको आपको ध्यान में रखना, इससे आपका जो बेनिफिट होगा, क्योंकि ये पॉइंट आपको मिल गए तो नॉर्मल है और आप तोड़ा सकते हो। इससे पहले आपको सजेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पॉइंट नहीं मिला है उससे पहले
थोड़ा लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप बाद में जाके जो आप वहाँ पे जाओगे MH वहाँ जाओगे, हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ भटकोगे, इसके अच्छा है घर बैठे बैठे आप अभी टाइम मिल रहा है आपको तो आप अच्छे से तोड़ा सकते हो, अभी टाइम है आपके पास में तोड़ा दो, ठीक है। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना था, बता दिया मैंने आपको। और भी कोई सूचना मिलेगी जो बहुत से बंदे अभी मेडिकल के लिए गए हैं, 2 बजे एंट्री किए उन्होंने, तो उनका कोई सूचना आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है। अभी यार फिलहाल जो लाइट नहीं आ रही इस हिसाब से कुछ वीडियो लेट प्रोवाइड करा रहा हूँ, और बाकी बारिश भी हो रही है इस हिसाब से थोड़ी लेट आ रही वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी इस वीडियो को फैला देना, जिससे वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट कोई दिक्कत है जरूर बताना, जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सभी भाइयों को कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए, आपने आज 25,000 अपनी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, थैंक यू सो मच। दिल से आभार करना चाहूँगा सभी दोस्तों का इतने आप प्यार और सपोर्ट देने के लिए। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अभी तैयारी से ध्यान दें, ठीक है।